नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह सूर्य के बाद सौरमंडल में स्थान रखने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रह है। सेनापति के नाम से जाना जाता है। पराक्रम इसका स्वभाव है। रक्त लाल रंग का ये कारक ग्रह है। हमारे शरीर में बहते हुए खून का, परिवार में छोटे भाइयों का, दोस्तों का ये कारक ग्रह है। मंगल एक ऊर्जा है। यदि मंगल ग्रह की ऊर्जा ठीक तरह से इंसान को प्राप्त होती रहती है तो उसके जीवन में चारों तरफ खुशहाली रहती है, सबका सहयोग उसको मिलता है, कारोबार में धन लाभ उसे अच्छा मिलता है, धनागमन अच्छा होता रहता है बिना रुकावट के, शादीशुदा जिंदगी में दाम्पत्य संबंधों में ताजगी रहती है। यदि यही मंगल किसी कारण से कुंडली में खराब प्रभाव देना शुरू कर देता है तो जातक के क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, बात बात पर उसके मुंह से कड़वे शब्द निकलने लगते हैं, लगातार धन के मामलों में रुकावट आनी शुरू हो जाती है, रक्त संबंधी संक्रमण भी हो सकते हैं। मंगल के कारण बिना कारण के वाद विवाद भी हो सकते हैं, शत्रु भी हो सकते हैं यदि खराब प्रभाव दे रहा है तो। जन्म कुंडली में मंगल यदि पाप ग्रहों से पीड़ित है, नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, कम डिग्रीज में है, कम अंशों में है, तो इस तरह के प्रभाव निश्चित तौर पर आ सकते हैं। दोस्तों, प्रभावों को देखकर आप इस बात को जान सकते हैं कि मंगल आपकी कुंडली में क्या प्रभाव दे रहा है, और हमेशा एक जैसा प्रभाव नहीं रहता क्योंकि गोचर में ग्रह अलग अलग राशियों में आता है, आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में गोचर करता है तो उसके प्रभावों में भी बदलाव आते रहते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि मंगल हमें शुभ या अशुभ प्रभाव दे रहा है। जैसे कि कारोबार के माध्यम से धन आगमन में हमेशा रुकावट रहना, क्रोध की मात्रा हमेशा अधिक रहना, अपनी बात के आगे किसी दूसरे की बात का कोई महत्व न चलने देना, महत्व न समझना, ये आमतौर पर ऐसे लक्षण हैं जो स्पष्ट तौर पर मंगल के अशुभ प्रभाव को दर्शाते हैं। शुभ मंगल हमेशा ऐसा नेतृत्व करवाता है जिसके साथ पूरा परिवार और उसके साथ काम करने वाले लोग सहमत होते हैं। मित्रों, मंगल वर्तमान में भी नीच राशि कर्क में है, और कर्क में हालांकि नीच राशि के होने के बाद बावजूद भी कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के साथ मंगल अच्छे फल देते हैं, राजयोग बनाते हैं। तो मंगल की हर कुंडली के हिसाब से, हर भाव के हिसाब से आप एक सा फलादेश नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हर ग्रह की अपनी डिग्रीज होती हैं। हमें कुंडली में ये भी देखना होता है कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, इससे भी उस ग्रह के पड़ने वाले प्रभावों पर फर्क पड़ता है। मित्रों, अपनी जन्म कुंडली के लक्षणों के अनुसार आप पहचान सकते हैं कि मंगल आपको मंगल कर रहा है या अमंगल कर रहा है। मंगल वाले जातकों को गुस्से की अधिकता की वजह से कई प्रकार की तकलीफें भी हो सकती हैं। छोटी मोटी तकलीफें बड़ी तकलीफों में बदल सकती है।
यदि मंगल अशुभ है। चोट चपेट का सबसे ज्यादा खतरा रह सकता है। आग से होने वाली दुर्घटनाएं घट सकती हैं यदि मंगल खराब है। सिंह राशि के लिए, धनु राशि के लिए, मकर राशि क्योंकि मंगल की उच्च राशि है, मीन राशि के लिए और साथ में कर्क राशि के लिए मंगल लगभग मित्रता का व्यवहार करते हैं। मेष और वृश्चिक मंगल की अपनी राशियां हैं, लेकिन इन राशियों में होने के बावजूद भी, मित्र राशियों में होने के बावजूद भी, यदि मंगल किसी प्रकार से प्रभावित है पाप ग्रहों से, तो निश्चित तौर पर इसके खराब प्रभाव भी मिल सकते हैं। इसलिए लक्षणों को देखकर आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि मंगल आपको शुभ या अशुभ दे रहा है। यदि इस तरह के लक्षण आपके सामने आ रहे हों, तो आप किसी भी अच्छे योग्य ज्योतिष विद्वान से मिलकर उनसे अपनी कुंडली का आकलन करवाएं और उसके बाद मंगल के उपाय करें, मंगल का दान करें यदि जरूरी हो तो। और साधारण तौर पर हर मनुष्य को शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। उसके पीछे कारण यह है कि भगवान बजरंगबली को सभी ग्रहों के ऊपर आधिपत्य प्राप्त है। मंगल ग्रह के तो अधिष्ठाता देव ही बजरंगबली है, तो बजरंगबली की सेवा पूजा से मंगल के अनिष्टों में कमी निश्चित तौर पर आती है। अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव रहता है। यदि मंगल ग्रह के कारण या किसी भी ग्रह के प्रभाव के कारण आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज्यादा आपको परेशान कर रही हों, तो आप बजरंगबली का एक अद्भुत दुर्लभ पाठ हनुमान बाहुक आप कीजिए। इसके चमत्कारिक प्रभाव आपको खुद देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बजरंगबली की कृपा से मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव अवश्य प्राप्त होते हैं। यदि मंगल किसी भी व्यक्ति की कुंडली में खराब स्थिति में है, शत्रु क्षेत्रीय है, नीच का है, 6-8-12 में है, तो इन लोगों को तो बजरंगबली की सेवा पूजा अवश्य करनी चाहिए। मंगल एक ऊर्जा है, यदि आप इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर सकेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन की कितनी बड़ी परेशानी को सॉल्व कर सकेंगे। अपने अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे एक नए विषय को लेकर के। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अगले एपिसोड में हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार दोस्तों।